एक बच्चा मुझे एक बार मिला, हमारे ही एक मतलब दोस्त के परिवार का बच्चा, बात करते हैं। मुझे बच्चों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों को भी जनरली मुझसे बात करना अच्छा लगता है, हमारी अच्छी छंती है बच्चों के साथ। तो मैंने उससे हलचल पूछा, फिर मैंने कहा और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है। तो बच्चे अपने अफेयर वेयर सब मुझे बताते हैं बहुत जल्दी, 5-10 मिनट के अंदर सब ओपन हो जाते हैं, फिर सब बताते रहते हैं। तो खैर वो तो दूसरी बात थी, उससे मैंने पूछा कि बताओ बेटा सब चल रहा जीवन में, तो सब बताए सब बातें। बात करते करते अचानक मुझे फील हुआ कि वो अपने बाप को लेकर बहुत नाराज है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? बोला देखो मेरे स्कूल में ट्रिप जा रहा है, सारे बच्चे जा रहे हैं, मैं ही नहीं जा रहा, पापा ने मना कर दिया। मैंने कहा यार पापा ने क्यों मना किया होगा, क्योंकि ज़्यादा खर्चा भी नहीं था, उसके पापा की इनकम को देखते हुए खर्चा भी ऐसा नहीं था कि ना कर पा रहे हो। वो इतना गुस्से में था, बोला मुझे तो लगता है कि नाली से उठा के लाए थे मुझे, क्योंकि सारे बच्चे जा रहे हैं। अच्छा बच्चे बहुत जल्दी फैसला करते हैं कि नाली के पास से आए हैं, और नाली पता नहीं क्यों चुनते हैं, सड़क के पास से बोल दे रही नाली ही चुनते हैं सब बच्चे कि नाली के पास से लाए। या तो अपना होलिया देखते हैं शीशे में, उसको देख के ज़्यादा क्लोज लगता होगा कि नाली के पास से आए। तो मैंने कहा यार मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा मुझसे कोई व्यक्ति पूछे कि बच्चों का ट्रिप जा रहा है स्कूल का, अपने बच्चे को भेजूं या ना भेजूं? अच्छा बेटे में लोग तैयार रहते हैं, बेटी को लेकर ज़्यादा सोचते हैं। मेरी सलाह हमेशा होती है कि ज़रूर भेजो, क्योंकि परिवार में आप उसे सिखा ही नहीं पाएंगे जो ट्रिप पर सीखने का मौका मिलेगा। तो मैंने उसके पिता से जो वहीं थे आसपास अलग से बात की, मैंने कहा बड़ा नाराज है तेरा छोरा, कह रहा है कि पापा भेज नहीं रहे ट्रिप पे। अब सोचिए मैं जब उसके पिता से मिलने, मेरे मन में ये भाव था कि ऐसी मूर्खता क्यों कर रहा है, क्यों नहीं भेज रहा उसे। और उसके बाप ने साइड में जाकर क्या बोला मुझे, बोला सर दिक्कत क्या है, डॉक्टर ने मना किया है, इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा कि भूल के भी बाहर नहीं भेजना है, और ये भी कहे कि इसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि प्रॉब्लम है, अगर इसको बता दिया इस उम्र में कि हार्ट में दिक्कत है तो ज़िंदगी ख़त्म, भेज दिया तो वैसे ख़त्म, तो करें क्या। अब देखिए दूसरा पक्ष सुनते क्या वो पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया, आप तो गुस्से में थे कि कैसा बाप है। तो बच्चा मुझसे पूछा, बच्चे को लग रहा है कि मैं उसकी अप्रोच लगाने गया हूँ, सिफारिश करने गया हूँ, वो मुझसे पूछ रहे कि बात कर लिया अपने अपने से क्या बोल। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक पक्ष को सुना, आपको लगा इतना ऑथेंटिक है, पर्याप्त है, फैसला कर लो, लेकिन दूसरा पक्ष इतना ड्रामेटिकली अलग होता है, इतना ज़रूरी होता है कि वो सुनने के बाद आपको लगता है कि ये तो इसके बिना तो फैसला हो ही नहीं सकता था। इसलिए कोई पक्ष कितना भी कन्विंसिंग हो, पूरा परिवार, पूरा धर्म, पूरा समाज, पूरी राजनीति सब एक तरफ बोल रहे हैं, तब भी ध्यान रखना है कि दूसरा पक्ष भी होता है। और जब